ईद भाई सब गुजर चुकी है और मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था कि ईद के दिन कोई ना कोई वाकया होना है, कोई ना कोई ऐसी चीज होनी है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जानी है, और वैसा ही हो गया है। सानिया 9 मई के बाद सानिया 10 अप्रैल हो गया, मतलब कि भावल नगर के अंदर एक बहुत ही अजीबन गरीबन शदीदन चवल वाकया पेश आ गया है। इस वाकये के अगर आप एक लाइन में बयान करो तो हुआ कुछ यू है कि फौजियों ने पुलिस स्टेशन के अंदर जाके पुलिस वालों की चित्रोल कर दी है। और अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं तो ये कोई 1-2 घंटे का वाकया नहीं है, ये 3-4 दिनों के ऊपर फैला हुआ वाकया है। तो हम ऐसा करते हैं कि तरतीब के साथ शुरू से शुरू करते हैं। हुआ कुछ यूं कि भावलनगर के थाने से एसएचओ समेत कुछ अहलकार जो है ना, वो घर के अंदर छापा मारते हैं, रेड मारते हैं, और वहां पे वो जाके खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और वहां पे मौजूद मर्दों को भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है और फिर जैसे ही कुछ लोग वहां पे आते हैं तो वो उन पुलिस वालों को पकड़ के घर के अंदर बिठा लेते हैं। वहां पे भी उन पुलिस वालों की चित्रोल हो जाती है और उसके बाद जो है उन पुलिस वालों के ऊपर ना एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। भावलनगर में पुलिस अहलकारों का खवातीन पर तशद्दुद, एसएचओ और 3 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और फराइज में कोताही पर दर्ज किया गया। लेकिन यहाँ पे आता है कहानी के अंदर एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट एक वड्डा ट्विस्ट, वो ये कि वो घर जो है वो एक फौजी का था। फौजी का घर था भाई साहब। फौजी को पता चलता है कि घर के अंदर आके गैर कानूनी तौर पर पुलिस वालों ने ये सारी हरकतें की हैं, तो फौजी पायन जो है वो काफी ज्यादा फौजी अफसरान के साथ जो है थाने के ऊपर जो है वो पहुंच जाते हैं। अब थाने के अंदर जाने के बाद सारे के सारे मनाजर तो नहीं दिखाए जा सकते, कुछ कुछ जो है वो आपको साथ में शो हो रहे होंगे। थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले होते हैं, जितने भी अफसर होते हैं, एएसआई एसएचओ भाई सब सबको पकड़ के ठीक ठाक जो है वो फेंटी लगा दी जाती है। और सबसे अजीब बात वहां से ये सामने आई है कि उस थाने के एसएचओ रिजवान साहब को जो है वो फौजी अफसरान ने 2 घंटे कान पकड़ा के, यानी कि मुर्गा बना के रखा है। ईद के दिन भाई साहब पुलिस वालों को फेंटी का निशाना बनाया गया। और इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि पुलिस वाले ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ रहे हैं और फौजी अफसरान जो है का फरीजा अदा कर रहे हैं, लेकिन ना तो पुलिस वाले नमाज अदा कर रहे हैं और ना ही फौजी अफसरान उनकी क्या कहते हैं कि हिफाजत कर रहे हैं, वो उनको सजा दे रहे हैं, उनको सजा के तौर पे वहां पे बिठाया हुआ है। इसके बाद भाई साहब पंजाब पुलिस का बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये बहुत ही मामूली सा वाकया है जिसको सियाको सबाक से हट के आवाम के सामने पेश किया जा रहा है। जी हाँ भाई साहब, बहुत मामूली वाकया, इतना मामूली वाकया है कि इसकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर दिखाई भी नहीं जा सकती भाई साहब, इतना कुछ ज्यादा मामूली वाकया है। क्योंकि वो वीडियो अगर यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाई तो वो इतनी मामूली वीडियो है, उसके अंदर इतनी इतनी मामूली चीजें हैं कि वो वीडियो यूट्यूब ने फटाफट रिमूव कर देनी है। खैर भाई साहब पंजाब पुलिस के उसी बयान के अंदर ये भी कहा जाता है कि दोनों अदारों यानी कि पंजाब पुलिस और पाक फौज के अदारों के जो अहलकार हैं उनके दरमियान ये जो वाकया हुआ है इसको खुश असलूबी के साथ हल कर लिया गया है। अब इस खुश असलूबी के साथ हल करने के बाद भाई साहब एक वीडियो सामने आती है जिसके अंदर नारेबाजी हो रही है। पाक आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से कौन लगा सकता है जी? आप लगाएगा। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, ऐसा ही होना चाहिए। अदारों को एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहिए। और इसी के साथ साथ अवाम और अदारों के दरमियान जो है वो एक बहुत ज्यादा गहरी मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अवाम कहाँ पे खड़ी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आपको सोशल मीडिया के ऊपर ही मिल जाएगा। अवाम का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम इस मामले के अंदर न्यूट्रल है, सानिया भावलनगर। उसी के साथ साथ आप इस सवाल के जवाब में ये तस्वीर भी दे सकते हो जिसमें पंजाब पुलिस और पाक फौज के लड़ाई में अवाम चिल्ल होकर बैठी हुई है, अवाम को घंटा फटकनी पड़ता। लेकिन वहीं पे यार अवाम की राय ये भी है कि अगर उस थाने के अंदर शाहिद जट साहब होते हैं तो ये कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होनी थी। उसके बाद भाई साहब इस मामले के ऊपर मीम्स भी बन रही हैं। मीम कैसी कैसी बन रही हैं, एक आप मीम चेक कर लो। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? ठीक हो गया ना, मतलब कि पंजाब पुलिस को फेंटी लगी है तो अवाम जो है वो पूछ रही है कि हाँ जी बताओ क्या बनी है आपके साथ। और इस होने वाले वाकये के बारे में शहीद अरशद शरीफ साहब ने जो है ना वो बहुत देर पहले ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी, वो क्या थी जरा चेक करो। तो किसी का घर महफूज नहीं रहेगा, आज आप पाकिस्तानी लोगों के घरों में घुसे और समझ लेंगे कोई आपके घर में नहीं घुसेगा, सबके घर सबको पता है किधर है, सबको पता है कि जब आप चादर और चार दीवारी पामाल करते तो आप भी नहीं बचेंगे। यहां पे वो जो रात अनरोई का शेर है, यहां पे सिर्फ हमारा घर नहीं है, आग लगेगी तो सब घर जद में आएंगे।
जी हाँ भाई साहब, आग लगेगी तो घर आएगा तुम्हारा भी जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इंडिया से तल्लुक रखने वाले राहत अंदोरी साहब का ये शेर है, बहुत ही मजे का है, बिल्कुल सिचुएशन को जो है ना वो मैच करता है। खैर इस बारे में यार आज ही पंजाब साहब से सवाल किया गया कि जनाब आप बताओ आपका इस बारे में क्या मौकफ है, तो उन्होंने मौकफ दिया। अब आई जी पंजाब साहब का ये वाला मौकफ जो है ना वो टीवी के ऊपर नहीं दिखाया जा रहा था, तो इसको इमरान रियाज साहब ने ट्वीट करके आवाम के सामने रखा है। और इसके साथ ही इमरान रियाज खान ने एएसपी शेरबानो का मौकफ भी जो है ना वो आवाम के सामने रखा है। वो क्या है जरा चेक करो। हमें ये सुनने को मिलता है कि उसके पीछे वर्दी है और इसके पीछे वर्दी है। आए हम आपको बताते हैं कि किसके पीछे वर्दी है। क्या नाम है तेरा? ऐसा ही अब इसी वाक्य के बारे में इमरान रियाज खान ट्वीट करके तो बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिटेल से बात किया। वहां से मैं आपको छोटी सी एक इम्पोर्टेंट जो लाइन है ना, एक छोटी सी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, वो आपको लाजमी सुनाना चाहता हूँ। जो अब तक की तफसीलात है वो ये है कि पुलिस को चंगी पड़ी फैंटी लगी है, बहुत मार पड़ी पुलिस वालों को और पड़नी चाहिए पुलिस वालों को मार, जब गैर कानूनी काम करेंगे तो मार पड़ेगी। इससे पहले लेकिन क्या पुलिस ने पहली मर्तबा ये गैर कानूनी काम किया है? देखिए बेशुमार लोगों के घरों में पुलिस बगैर वारंट के दाखिल हुई है, मेरे अपने घर में पुलिस 3 मर्तबा बगैर वारंट के दाखिल हुई है, दर्जनों की तादाद में दाखिल हुई है और यूनिफॉर्म के साथ दाखिल हुई है। तो क्या मैं पुलिस को पकड़ के बिठा सकता हूँ या उनके ऊपर गोली चला सकता हूँ या उनके साथ लड़ाई कर सकता हूँ? मैंने हमेशा ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया कि रियासती इदारा है और अगर ये यूनिफॉर्म के अंदर आए हैं, ये गैर कानूनी तरीके से भी आए हैं, तो मैं कानूनी तरीके से इनके साथ लड़ सकता हूं, अदालत में जाऊंगा, अगले फोरम के ऊपर जाऊंगा, इनके ऊपर एप्लीकेशन दूंगा और अभी पुलिस के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयां मेरी पेंडिंग है वो मैं करूंगा इंशाल्लाह। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुझे लगता है कि यार आपको सामने भावन नगर की ए टू जी समझ आ गई होगी, कब कहां और क्या क्या हुआ है। ओके हो गया ना। ईद का दिन था तो भाई साहब ईद मिलने के लिए बाबर आजम से बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े लड़के जो है ना वो इकट्ठे हो गए, लेकिन बाबर आजम ने वहां पे क्या हरकत की जरा चेक करो। अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ आई तो मैं हूं ना, मैं बता देता हूँ। बाबर आजम ने यह किया है कि पीछे से निकल के मोटरसाइकिल में बैठ के शॉट हो गया वहां से भाई साहब। अवाम को पता भी नहीं चला, अवाम उसके जाने के बावजूद भी नारे लगा रही है। और एंड के ऊपर भाई साहब ये जो मैंने ये लगाया हुआ है ये मुझे चुपेड़े चुपड़े कोई नहीं पड़ी है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदा पिंपल निकल आया था, पिछली वीडियो में थोड़ा नजर आ रहा था, अभी तो भाई साहब वैश्यो की तरह नजर आ रहा है, इस तरह थोड़ा सा कवर हुआ है, लेकिन लग तो अभी भी चवल ही रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। कह रही यार ठीक हो गया, यही थी वीडियो। अगर वीडियो देखिए आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, मेरा मारदा उड़ाए खून रंग अंग तो ओ।